इधर अंतागढ़ में मृतकों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें बीते साल 2013 में जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता धुर्वे ने एक एनजीओ संचालक के साथ मिलकर लाखों की ठगी की थी। आरोपियों ने क्लस्टर क्षेत्र में ग्रामीणों को टाट पट्टी बनाने और सूकर बांटने के नाम पर धोखाधड़ी की थी, जहाँ आरोपियों ने मृत लोगों को प्रशिक्षण और किट बांटना बताया था, जिसका खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने किया। मामले की जांच के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जेल भेजा गया। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी को 9 साल बाद बस्तर से गिरफ्तार किया। बता दें एसपी ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। वर्ष 2013 में थाना अंतागढ़ में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें तत्कालीन जनपद सीओ श्रीमती पी धुर्वे तथा श्री राम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी जगदलपुर के विरुद्ध था। इसमें फर्जी तरीके से टाट पट्टी वितरण, फर्जी तरीके से प्रशिक्षण देना और फर्जी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने का इनके ऊपर आरोप था। तत्कालिक तौर पर जनपद सीओ को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और श्री राम एजुकेशन सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे राम प्रसाद भगत, वो मौके से फरार थे। तत्कालिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार करके भी आज थाना लाया गया है और पूछताछ, विस्तृत पूछताछ करके अपना उन्होंने जुर्म कबूल किया है।